नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तुलना शुतुरमुर्ग से कर डाली। राहुल ने कहा कि हर गलत दौड़ में देश आगे है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार शुतुरमुर्ग की तरह बर्ताव कर रही है, लेकिन आंखें बंद कर लेने से मुसीबत टल नहीं जाएगी। राहुल गांधी ने सोमवार को देश में कोरोना से जुड़ी खबरों को शेयर करते हुए कहा कि जो भी काम गलत दिशा में हो रहे हैं उनमें हम आगे हैं। राहुल ने एक दिन पहले जीडीपी में गिरावट के पीछे जीएसटी को जिम्मेदार ठहराया था। वो इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं। सोमवार सुबह एक बार फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, हर गलत दौड़ में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। राहुल ने मोदी सरकार की तुलना शुतुरमुर्ग से करते हुए कहा कि वो देश को संकट में डालकर समाधान नहीं ढूंढती। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। इसके साथ राहुल ने कई खबरों का एक वीडियो भी शेयर किया, जिनमें देश भर में कोरोना को लेकर भयावह होते हालात को बताया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना महामारी को लेकर उनके दावों और जमीनी सच्चाई में फर्क पर जवाब मांगा है। चिदम्बरम ने मोदी सरकार को कोरोना से निपटने में पूरी तरह से नाकाम बताया। पी चिदम्बरम का कहना है कि मैंने भविष्यवाणी की थी कि 30 सितंबर तक संक्रमण की कुल संख्या 55 लाख तक पहुँच जाएगी, लेकिन मैं गलत हूँ। अब साफ है कि भारत 20 सितंबर तक ही इस आंकड़े पर पहुंच जाएगा। चिदम्बरम ने कहा कि सितंबर के आखिर तक देश में कोरोना के मामले 65 लाख तक होंगे। पी चिदम्बरम ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां लॉकडाउन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। पीएम मोदी ने वादा किया था कि हम 21 दिनों में कोरोना वायरस को हराएंगे। उन्हें ये बताना चाहिए कि जब दूसरे देश सफल हुए तो भारत असफल क्यों हो गया। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के मरीज 41 लाख से ज्यादा हो गए हैं और ब्राजील से ज्यादा मामले भारत में हो गए हैं। अब भारत से ज्यादा मामले सिर्फ अमेरिका में हैं। कोरोना मामलों में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है, तो वहीं मौत से आंकड़े में भारत का तीसरा नंबर है। अगस्त और सितंबर में दुनिया में सबसे ज्यादा मामले भारत से ही आए हैं, जिसके बाद विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।